चढ़ तो जाता, उतरने का नाम नहीं लेता फिर। आज तो खातिरदारी होगी ब्रूनो की, अच्छी अच्छी है ना। अगर 2000 कमेंट्स आगे तो जाओगे। कल मैं गया था ना नोएडा, चार्जर लेकर गया था अपने फोन का क्योंकि चार्जिंग कम थी, बट वहाँ काम आया नहीं और गाड़ी में ही रह गया। मैं पूरी रात अंदर ढूंढता रहा कांगे, मेरे ये ध्यान में नहीं है कि थार में पड़ा था। अब याद आया सुबह ऑफ होने वाला फोन, जबकि तेरे को और नया दिन, एक और नई जर्नी। आज है 6 फरवरी 2022। मैं हूँ अभी गुड़गांव में। ये वायरिंग पड़ी हुई है, मैं दूसरा कनेक्शन लगवा रहा था इंटरनेट का अपने घर में, तो रात को वो आए तो थे बट वायरिंग छोड़ के चले गए, सेटअप नहीं करके गए। आपको पता ही होगा पहले से मैं 2 कनेक्शन रखता हूँ घर में, तो जब यहाँ पे शिफ्ट हुए थे उस वक्त एक ही लगवा पाया, दूसरा लगवाया नहीं, अब दूसरा लगवा रहा हूँ। वो आ गया, आ गया आतंकवादी, आ गया। होए तू घर क्यों नहीं गया, सुबह जाना था तूने तो आज, है गया क्यों नहीं बता। ऐसे ही पपीता खा लेते हैं बाकी फटाफट से अपना। धूप आ रही है मस्त यहाँ। हाँ वही तो, वहाँ पे तो थार खड़ी हो जाती, ये वाली पार्किंग हमारी खाली खाली लगती है बिना एक्सयूवी के। बट मैंने अभी फोन करा है वहाँ पे मंडी में जहाँ पर हमारी सर्विस सेंटर में खड़ी है शिमला ऑटोमोबाइल्स, तो वो कह रहे हैं सर जितने पार्ट्स थे ना वो सारे आ गए हैं, बस उसमें से एक पार्ट रह गया, वो भी एक दो दिन में हमारे यहाँ सर्विस सेंटर पे आ जाएगा। बट काम उन्होंने फिर भी भाई शुरू कर दिया, आज मंडे है ना क्योंकि, तो आज से काम शुरू कर दिया। उन्होंने कहा 5-6 दिन लगेंगे काम में, फिर गाड़ी रेडी हो जाएगी। अब वो जो एक पार्ट बचा ना, अगर वो कल आ गया तो मैक्स टू मैक्स मेरे ख्याल 15 से पहले पहले काम निपट जाएगा गाड़ी का, और हम फिर 14-15 के आसपास ही निकल जाएंगे गाड़ी लेने के लिए। और अगर वो पार्ट डिले हुआ थोड़ा तो फिर 20 तक भी खींच सकता है। तो देखते हैं, आपको मैं अपडेट करता रहूँ आने वाले टाइम पे। चक्कर किस में, साइकिल में, चल फिर चल आ जा। इसके अलावा यार जो उन्होंने टोटल एस्टिमेट बनाया ना, वो सारा का सारा इंश्योरेंस में कवर्ड होगा, हमें 1 रुपया देने की जरूरत नहीं। 1 रुपया तो मतलब वो जो फाइल चार्ज होते हैं ना 2-2.5 हज़ार रुपये, शायद उतना ही देना पड़ेगा। बाकी एक बार जब फाइनल हो जाएगा क्या क्या पार्ट्स डले हैं, कितना खर्चा हुआ है, उस हिसाब से फिर एंड में बताएंगे इंश्योरेंस वाले कि हमें कितना पे करना है और टोटल एस्टिमेट कितने का था। तो वो भी मैं आपको जब डिलीवरी लेने जाएंगे तभी बताऊंगा। कहाँ चलो, चल फिर ब्रूनो का अंदर करना पड़ेगा, तो पीछे पीछे आ जाएगा हमारे। तू अपनी साइकिल पे जाइए, वो वाली पे मैं अपनी पे, ठीक है, दोनों चलेंगे। चल फिर खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, कुछ नहीं हुआ। आजा आजा आजा, चलो चलो, आया मजा, चलो खोल दे पार जल्दी, ओप खोलो खोलो। चलो जी बागो जी, ब्रूनो भाई गिरा आज, ये मस्त गिरा, मस्त रोड स्पीड ब्रेकर पे मजा आया ना गिरने में। ओए क्यों काट रहा है भाई साहब, ओ भाई साहब तेरे को ही साइकिल चलानी है, जा वो देखो दे बुला रहे, जा चलो जाओ कपड़े बदल ले जा, सारा कीचड़ कीचड़ लग गया वो देखो। अरे बस भाई बस, मानेगा थोड़ी है, देखो मानेगा थोड़ी, चार्जर चाहिए इसे मेरा बंदर को। ओ सबसे पहले तो फोन चार्ज पे लगाऊं, बिल्कुल बैटरी नहीं है, 4% है। सेटअप रेडी हो गया भाई शूट के लिए, आज का दिन बहुत हेक्टिक होने वाला है, मुझे 3-3 शूट निपटाने हैं अनमोल जायसवाल चैनल के लिए। अब पता नहीं भाई आज ब्लॉग में मैं क्या ही करूंगा, मतलब इतने शूट के होने के बाद। और लास्ट ब्लॉग में मैंने जो बताया था आपको कि 12 तारीख को कुछ नया आने वाला है, तो बहुत लोगों ने बहुत कुछ चीजें गैस करी कमेंट सेक्शन में, बट काफी लोग गलत थे और कुछ लोग सही भी थे, देखते हैं। बाकी पता तो आपको 12 को ही चलेगा, इसलिए क्या है। शूट करने के लिए भाई हीटर की बहुत जरूरत पड़ती है, बिना इसके तो होता ही नहीं है, तो यहाँ पे चलाते हीटर और यहाँ बैठ के अपना शूट कंप्लीट करेंगे। 2 वीडियोस तो भाई शूट कर ली, एडिटिंग भी कर लूंगा खाने के साथ साथ। देना कैसे ऊपर चढ़ा हुआ, बचपन में तो मेरे साथ ही सोता था बेड पे, है ना फ्लैट पे। अब हाँ इतना बड़ा है पूरा बेड तो अकेला ही, पूरा बेड तो अकेला ही घेर लेगा, फिर दूसरा बंदा कहाँ सोएगा। आज इसके ना बाल बाल कटवा के आते हैं ना, खून भी बहुत है, तो ग्रूमिंग एक सेशन हो जाएगा नॉर्मल, है ना। ये वाले बाल इसके बहुत बढ़ रहे हैं, यहाँ से देखो गंदा कर लेते हैं, बस ये ले रुकना नहीं चाहिए, बस सर पे हाथ फेरते रहो बांदर के। 2 वीडियो तो भाई एडिट करके मैंने अपलोड पे लगा दिया है, और अभी बड़े टाइम बाद वाव का एक प्रोडक्ट आया। क्या हो गया भाई, क्या हो गया है, क्या दुश्मनी है तेरे को वाव से। अरे अरे ओ मिस्टर हेलो, हो गया जा रहे हैं ब्रूनो को लेके। तो आप इसे थार में इस तरह से चद्दर बिछा रहे ताकि ये सीट गंदी ना करे, इसका थूक बहुत निकलता है क्योंकि। चले पाजी बड़े महीने हो गए तेरे को, चढ़ो 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 चढ़ो, चढ़ तो जाता उतरने का नाम नहीं लेता फिर, चढ़ो भाई चढ़ो।
जल्दी हम ब्रूनो को भी ट्रिप पर लेकर जाएंगे थार में ही। चलो जी, वेरी गुड। हेलो ब्रूनो। ओए होए, ओए होए। आज तो खातिरदारी होगी ब्रूनो की, अच्छी अच्छी है ना। लेट्स गो भाई लोग, लेट्स गो। सारा गीला 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 ब्रूनो, हर जगह गीला गीला कर दिया। बदतमीज अब बस भोगना शुरू हो जाएगा। गाड़ियां देख ली दूसरों की, है ना, भोगने लग जा बदतमीज। नहीं तो चलो जी, ब्रूनो पाजी उतरिए, टाइम आ गया है आपका ग्रूम होने का। ओदे ओदे ओदे, कहां से चढ़ के आ गया? ओ भाई, इतनी जल्दी क्या हो गई? क्या हो गया भाई साहब? अरे 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 अरे, इसको सुसु पोटी भाई भारी करवा लेते, क्योंकि अंदर एक डेढ़ घंटा लग ही जाता है। तो ब्रूनो को केशव के साथ छोड़ दिया, अभी 10 मिनट लगेंगे और फिर काम होने में, तो आपको पता ही है एक डेढ़ घंटे का टाइम चाहिए ही चाहिए। मुझे भाई अभी एक अर्जेंट काम से जाना है, तो आधा घंटा मुझे भी लग ही जाएगा। मैंने कहा पहले मैं भी इतने काम निपटा लेता हूँ, इतने ब्रूनो की ग्रूमिंग हो जाएगी। ब्रूनो हो गया रेडी। चलो 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 चलो, चल रहे चल रहे चल रहे चल रहे चल रहे, गिली 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 गिली। चलो जी, भाई साहब को नहला दुला के बिठा लिया। अरे 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 अरे, काहे भोग रहा है, कौन है यहाँ पे? चलो चलो जी, चलो उतरो पाजी उतरो। घर आके नहीं उतरता, वहां लेकर गए थे, एक झटके में उतर गए। देखो अब नौटंकियां करेगा, घर पीछे दिख गया ना। ओहो क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है भाई। पोपट हो गया इस कैमरा में, मैंने टाइम लैप्स लगा के छोड़ा और बीच में ही चार्जिंग खत्म हो गई, मतलब 1% बैटरी होगी, तो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। एक्चुअल में योगा क्लास कर रहा था ना मैं, तो उसका टाइम लैप्स था। जब से हिमाचल से आया उसके बाद मैंने योगा क्लास ली नहीं है, मेरे ख्याल 10-11 दिन हो गए थे बीच में गैप, तो आज से अब थोड़ा रेगुलर रखेंगे हर रोज। मम्मी रोटी दे दो रोटी। आज भाई काम का बहुत ज्यादा प्रेशर हो रही है। लैपटॉप का मेरा जो केस था ना, पता नहीं कैसे टूट गया, देखना। डोंट वरी, अंदर से लैपटॉप नहीं टूटा, ऊपर का कवर है। दिन में मैंने आपको बताया था ना, 4 वीडियो शूट करनी है, उसमें से भाई 2 हो चुकी थी, एडिट भी कर ली है वो, और 2 बची है, उनको शूट करूंगा अभी रात को, 1:30 बज जाएंगे सोते सोते, फिर एडिटिंग सुबह करूंगा। खाने में बनी है भाई पनीर और सोयाबीन की सब्जी, और साथ साथ चलेगी एडिटिंग। मैंने मम्मी को एक जगह दिखाई है नोएडा में, वहां पर भाई साहब ऊपर जाके खाना खिलाते हैं। मम्मी कह रही मैं नहीं जाऊंगी, क्यों? सेफ है, इतने लोग रोज जाते, कुछ होता है उनको कोई? इतना क्यों डरना? अच्छा अपने बच्चे को भेज दोगे? क्यों अब क्यों डर नहीं लग रहा? मैं वैसे डरती हूं। कैसे? वैसे डर लगता है। कुछ नहीं होगा, चलेंगे सब। हाँ हाँ, चलना तो पड़ेगा मम्मी, चलना पड़ेगा। सब लोग कमेंट्स करेंगे कि मम्मी जाएगी ऊपर, ठीक है? मैं जाऊंगी। अगर 2000 कमेंट्स आ गए तो जाओगे? बस अब तो 2000 कमेंट्स करने पड़ेंगे, जाएगी मम्मी, ठीक है? अगले हफ्ते डन है। मेरी बहन ने आज घर पे गाजर का हलवा बनाया था, तो हमने स्विगी जीनी के थ्रू मंगवा लिया है। ठंडा हो गए तो मेरे को, मतलब दोपहर को बनाया होगा ना, फिर तो लाना कटोरी और एक चम्मच। ओहो हो, क्या बात है। ठंडे हलवे में से वैसे वो खुशबू तो नहीं आ रही, गरम होता तो खुशबू आती, बट कोई नहीं, बहुत मन कर रहा है, खा लेते हैं थोड़ा बहुत, है ना। अभी भाई साहब अर्जेंट से प्लान बन गया कल सुबह निकलने, कल सुबह नहीं मतलब आप जब ये व्लॉग देख रहे होंगे उसके नेक्स्ट डे सुबह सुबह निकलने का, थार में पारस भाई के साथ। उन्होंने भी अभी थार ली थी ना, इसलिए तो मेरे को एक दो काम है वो आज रात को निपटाने पड़ेंगे, और कल सुबह जल्दी उठ के सारे खत्म करने पड़ेंगे, एक दो ब्रांच के भी शूट है, तो इसलिए थोड़ा ज्यादा वो हो गया है। हालांकि ट्रिप 2-3 दिन की है, इतनी लंबी नहीं रहेगी, बट फिर भी भाई काम निपटा के ही जा पाऊंगा, उससे पहले तो वरना पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना। तो रात के 12 बजे पूरा सेटअप रेडी करके शूट कर रहा हूँ। ये सारे कुछ कॉन्सोल्स मंगवाए थे मैंने पिद्दू से, तो ये अपन मोल्यासोल चैनल पे देख लेना। अभी मैं फटाफट से शूट करूँ भाई, बाकी सारे ब्लॉग के लिए नहीं रखते, आई नो छोटा ब्लॉग हुआ होगा, बट ठीक है भाई, कभी कभी छोटा चलता है, कभी कभी बड़े भी बना देते हैं हम 20-20 मिनट के। बाकी जो ट्रिप के ब्लॉग्स होने वाले थार में, वो तो 20-20, 30-30 मिनट के होंगे, तो दिक्कत नहीं होगी। ठीक है जी, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पर नहीं पड़ना फीका।